हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पर आप कीबोर्ड की भाषा को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी दोस्तों, कीबोर्ड की भाषा को आप हिंदी में करना चाहते हैं या बंगाली में या किसी भी भाषा में करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले अभी हिंदी में करी थी भाषा, तो अगर आप भी अपने कीबोर्ड की भाषा हिंदी या किसी भी भाषा में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर कीबोर्ड की भाषा को बदलने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप हमारे बताई वीडियो के तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर जाना है और अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे आप चैट टाइप करेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कीबोर्ड पर आपको कहीं ना कहीं ये सेटिंग का लोगो मिल जाएगा, अधिकतर यहाँ ऊपर ही मिल जाता है। सेटिंग के लोगो पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कीबोर्ड की सेटिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज एंड इनपुट या लैंग्वेज एंड इनपुट टाइप। आपको देख लेना है आपके में क्या लिखा है। हमारे में लैंग्वेज एंड टाइप्स लिखा है, आप इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कई फ़ोनों में यहीं पर ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ऐड लैंग्वेज या ऐड कीबोर्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। या फिर दोस्तों अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें इस टाइप से आएगा, मैनेज इनपुट लैंग्वेज, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सभी भाषा दिखाई दे जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने कीबोर्ड को जिस भी भाषा में करना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो आपको उसी भाषा के सामने बटन मिल जाएगा, आपको बटन को ऑन कर देना है। जैसे हमने हिंदी का ऑन कर दिया, इसी तरह दोस्तों हम और भी भाषा का कर देते हैं, वो बंगाली का कर देते हैं, मराठी का कर देते हैं, जो भी आप भाषा करना चाहते हैं उनको ऑन कर दीजिए। या फिर दोस्तों आपको कोई दूसरा फ़ोन है तो आप सर्च बार में उस भाषा को सर्च कर लीजिए, आसानी से यही तरीका है। आप उस भाषा का नाम लिखिए, वो आ जाएगी, और उसके बाद उसका बटन ऑन कर दीजिए, उस भाषा को सिलेक्ट कर, जैसे करेंगे तो भाषा वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं, जैसे आपने भाषा ऑन कर ली है। अब मैं आपको कीबोर्ड पर जाकर दिखा देता हूँ, भाषा हमारी चेंज हो गई होगी व्हाट्सएप पर, देख कर आप दिखा देते हैं। इसमें कीबोर्ड में भाषा चेंज हो चुकी है। तो कीबोर्ड कैसे में भाषा कैसे बदलेंगे, सबसे पहले देख लीजिए इंग्लिश इंडिया लिखा है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए दोस्तों, हम ABCD में लिखेंगे यानी अल्फ़ाबेट में लिखेंगे और हिंदी में बन जाएगा। तो मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ सुरेश लिख के दिखाता हूँ मैं, सुरेश लिखूँगा सजेशन में आ गया सुरेश हिंदी में, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये सुरेश हो गया है। ये तरीका तो है दोस्तों, हम इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा है हमारे कीबोर्ड पर तो इसे निशान पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हिंदी का कीबोर्ड हो जाएगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों हिंदी का हो गया। इसी तरह दोस्तों पृथ्वी के निशान पर फिर से हम क्लिक करेंगे तो हमारी भाषा दूसरी भाषा हो जाएगी, जो बंगाली हमने करी थी, देख सकते हैं मराठी बंगाली। तो देख सकते हैं इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप अपने व्हाट्सएप पर कीबोर्ड की भाषा को बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।